दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए पांच कौन कौन से स्टेप होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन पांच स्टेप को फॉलो करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। पहला स्टेप यानी आप जैसे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं बिना बिजनेस प्लान सीखे डायरेक्टली जाके लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं तो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो आपको घबराना नहीं है और लगातार बिजनेस प्लान को शो करते रहना है। दूसरे स्टेप पर जब आप बिजनेस प्लान को सीखकर लोगों को बताएंगे तो लोग आपकी बातों को भी सुनेंगे लेकिन साथ में एक एडवाइस भी करेंगे कि सबसे पहले आप कामयाब हो जाओ उसके बाद में हम आपके साथ में बिजनेस में ज्वाइन होंगे। आपको लगे रहना है और लगातार बिजनेस प्लान को शो करते रहना है। और जैसे ही आप तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे तो तीसरे स्टेप पर जैसे आप लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे तो लोग सुनेंगे भी और साथ में बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ में काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। फिर भी आपको घबराना नहीं है, लगातार अपने काम को जारी रखना है। जैसे ही आप तीसरे स्टेप को पार करके चौथे स्टेप पर आएंगे तो चौथे स्टेप पर पहुंचने के बाद में आप जैसे ही लोगों को प्लान शो करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, कुछ लोग उसमें काम भी करेंगे लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनमें से काम नहीं करेंगे। फिर भी आपको लगातार लगे रहना है और अपने बिजनेस प्लान को शो करते रहना है। चौथे स्टेप के बाद में लास्ट एक स्टेप होता है पाँचवा स्टेप। जैसे आप पाँचवें स्टेप पर पहुँचते हो दोस्तों, यदि आप पाँचवें स्टेप तक लगातार डटे रहते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल और एक कामयाब लीडर बन जाते हैं। लोग आपको एक लीजेंड के रूप में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक